आज के इस वीडियो में हम लोग 12 ऐसे रोबोट्स के बारे में जानेंगे जो आपकी सेवा भी करेंगे तथा आपका मन भी बहलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है सोफिया। ये इस लिस्ट की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे हांगकांग के हैंसन रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। यह एक महिला ह्यूमन रोबोट है। यह बेहद जटिल तकनीकों से बनाई गई है। आप इससे बात कर सकते हैं, यह देख सकती है, चेहरों को पढ़ सकती है, लोगों को पहचान सकती है, कुछ भावनाएं भी समझती है, भाषाएं समझती है। सोफिया इस समय इकलौती ऐसी रोबोट है जो इंसानों के सबसे ज्यादा करीब है। दूसरे नंबर पर है बियोमनी 1.0। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है। यह कई तरह के काम कर सकती है। इसका इस्तेमाल खास तौर से मेडिकल फील्ड में किया जा रहा है या कुछ चीजों को बनाने के लिए या कृषि क्षेत्र में। इसे पहली बार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2022 में दिखाया गया था। दावा किया गया कि यह दुनिया की फुली फंक्शनल जनरल पर्पस रोबोटिक सिस्टम है। इसे बनाया गया है अमेरिकी कंपनी वेनाइड इमेजिनेशन ने। तीसरे नंबर पर है अमेका रोबोट। कहते हैं यह रोबोटिक्स के भविष्य का चेहरा है। अमेका इंसानी आकार में दुनिया का सबसे एडवांस्ड रोबोट है। यह इंसान की शक्ल और उसकी भावनाओं की बेहतरीन नकल उतारता है। माना जा रहा है कि भविष्य में जो रोबोट्स भावनाओं के आधार पर काम करेंगे उनके लिए यह रोबोट एक प्लेटफॉर्म है। यह इस समय का सर्वश्रेष्ठ ह्यूमनॉइड रोबोट प्लेटफॉर्म है। आप इसे बात करेंगे तो आपको इसके चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाई पड़ेंगे। अगले नंबर पर है टोयोटा THR3। इसे टोयोटा कंपनी ने बनाया है। यह रोबोट 2017 में बने अपने ही पूर्वज का अपग्रेडेड वर्जन है। असल में यह ह्यूमनॉइड कम रोबोट ज्यादा है। इसे ह्यूमन सपोर्ट रोबोट कहते हैं। यह इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया है। ये दोस्त है, घर के काम, आपके साथ घूमने जाना, ऐसे काम करने के लिए बनाया गया है। ये इंसानों जैसा दिखता नहीं है लेकिन काम करता है। ये रोबोट आपके घर में भविष्य की काम वाली वाई हो सकती है। अगले नंबर पर है जेमिनॉइड F। इसे ओसाका यूनिवर्सिटी ATR और कोकोरो ने साल 2010 में बनाया था। जेमिनॉइड एक महिला ह्यूमन रोबोट है। यह दुनिया की सबसे सुंदर महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है। यह जापान की 20 खूबसूरत महिलाओं को चेहरे को मिलाकर बनाई गई। इसे रिमोट से चलाया जाता है। यह मुस्कुरा सकती है, चेहरे की एक्सप्रेशन बदल सकती है, यहाँ तक कि आपके चेहरे पर आने वाले भावों को पढ़कर खुद ही वैसा दिखा सकती है। आगे है जुनको चिहिरा। यह दुनिया की बेस्ट सर्विस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है। जुनको चिहिरा को भी दुनिया की सबसे आकर्षित महिला ह्यूमनॉइड रोबोट की श्रेणी में रखा गया है। इसे तोशिबा कंपनी ने बनाया है। यह बहुत हद तक इंसानों जैसी दिखती है। यह जापान के न्यू टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में काम करती है। जुनको मल्टी टैलेंटेड ह्यूमनॉइड है। इसे जापानी, चीनी और इंग्लिश भाषाएं आती है। इसे सबसे पहले साल 2015 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है व्योममित्र। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने व्योममित्र महिला ह्यूमनॉइड रोबोट को 24 जनवरी 2020 को पेश किया था। इस रोबोट को बनाने का मकसद देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के गुरु मॉड्यूल में भेजकर इंसानी शरीर की हरकतों को समझना था। यह फिलहाल बेंगलुरु में रहती है। इसे दुनिया की बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमनॉइड रोबोट का खिताब अभी से मिल चुका है। उसके बाद है एटलस रोबोट। यह दुनिया का सबसे डायनेमिक ह्यूमनॉइड है। यह इंसानों की मदद के लिए बनाया गया है, खास तौर से उन कामों के लिए जो बहुत खतरनाक माने जाते हैं या रेस्क्यू मिशन के लिए। इसे बनाया है अमेरिका की बोस्टन डायनेमिक्स कंपनी ने। इसकी फंडिंग DARPA ने की है। यह गुलाटियां मारती है, जिमनास्ट की तरह एक्सरसाइज करता है और कूदता दौड़ता है। उसके बाद है एरिका रोबोट। आकर्षक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट की कैटेगरी में एक और रोबोट। इसका जन्म 2015 में हुआ था। यह एक एडवांस एंड्रॉइड डिजाइन है ताकि इंसानों और रोबोट के बीच बातचीत हो सके। यह कई भाषाएं समझती है, इंसानों की आवाज की मिमिक्री करती है, कई तरह के एक्सप्रेशन दिखा सकती है। एरिका का फुल फॉर्म है इरिटो इंटेलिजेंटे कन्वर्सेशनल एंड्रॉइड। इसे IRL कंपनी ने बनाया है। उसके बाद है अमेलिया। अमेलिया एक कन्वर्सेशनल AI है। यह एक डिजिटल ह्यूमनॉइड है। इसे मार्केट लीडिंग डिजिटल एम्प्लॉय का खिताब भी मिला है। आप इससे घंटों बातें कर सकते हैं, बोर नहीं होंगे। यह सुंदर भी है, इंटेलिजेंट भी है। यह कई तरह के काम कर सकती है जैसे HR, बैंकिंग, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद है पेपर। यह बेहद छोटा प्यारा सा रोबोट है। इसका नाम पेपर है। यह एक ऐसी ह्यूमनॉइड है। इसे सॉफ्ट बैंक रोबोटिक्स ने बनाया है। इसे जापान के सॉफ्ट बैंक मोबाइल फोन स्टोर्स में दिखाया गया है। यह इमोशन, फेस एक्सप्रेशन और आवाज की टोन को समझ लेता है, उसके बाद रिएक्ट करता है। पेपर को जून 2021 तक बनाया गया क्योंकि इसकी डिमांड कम थी, इसलिए इसका ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ। उसके बाद है काइम रोबोट। काइम दुनिया का सबसे फेमस बार टेंडर रोबोट है। इसे स्पेन की मेको रोबोटिक्स ने बनाया है। इसे खाना परोसने और ड्रिंक्स सर्व करने के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ 23 सेकंड में एक ग्लास बियर निकाल कर दे सकता है। यह हर एक घंटे में 300 ग्लास बियर निकाल कर दे सकता है। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।